ये देखिए, यही है साइक्लोपियन वॉल, दोनों साइड है गाइस। हम लोग साइक्लोपियन वॉल के यहाँ पे चढ़ रहे हैं पहाड़ पे, ठीक है। ये देख लीजिए नज़ारा, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से, जो आपने सुना होगा, जो चाइना में है, उससे भी पुरानी ये ये पिलर है, जो 40 किलोमीटर अप्रॉक्स ये पूरी है, खंडर हो चुकी है, बस इतना ही है, उस जमाने का ही बना हुआ है। ये देख लीजिए इसका इतिहास, बहुत कम ही लोग जानते हैं। अभी तो हम तो पहली बार आए हैं यहाँ पे दोस्तों, काफ़ी अच्छा लग रहा है, भव्य नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अगर अफसोस कर रहे हैं, मेरे पास अगर ड्रोन होता तो आप लोगों को मैं ड्रोन शॉट दिखाता। एक यहाँ पे है और एक सामने वाला, देख लीजिए ये गया वाला रास्ता है, बोध गया, वहाँ भी मैं पिछली बार जाऊँगा और उसी के रास्ते पे आपको ये मिलेगा राजगीर में। आप बहुत आसानी तरीके से आ सकते हैं, विश्व शांति स्तूप जब आइएगा आप यहाँ पे, उससे लगभग 1.5 किलोमीटर के अप्रॉक्स में आपको यहाँ गेट वॉल ऑफ साइक्लोपियन वॉल आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए गाइस, आप लोगों को मैं जो जो पैलेस दिखाया हूँ, शायद ही बहुत कम लोग यहाँ पे आते हैं, क्योंकि ये कोई घूमने वाली जगह नहीं है, बहुत कम ही लोग यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए, जो आप लोगों को देखने को मिला होगा, ठीक है। ऐसे मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ अकेले यहाँ आया हूँ और यहाँ का नज़ारा कैप्चर करके आप लोग को दिखाऊँगा, ऐसा मैं नहीं, बहुत सारे लोग आए हैं, लेकिन बहुत कम लोग आए हैं यहाँ पर, क्योंकि बहुत यहाँ पर आपको न कुछ खाने को मिलेगा, न कुछ दुकान है, कुछ नहीं है, तो लोग यहाँ पे क्यों आएंगे? जो इधर से पास करते हैं, गया जाते हैं घूमने के लिए, वही रास्ते में आपको यहाँ मिलेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे रुक ही नहीं सकते हैं, क्या फ़ायदा, इसलिए लोग नहीं आते हैं। राजगीर में सिर्फ विश्व शांति स्तूप घूम लिए, पांडु पोखर घूम लिए, और आपका जो लक्ष्मण झूला है जिससे आप वहाँ जाते हैं, जापानी टेम्पल, बस वो लोग घूम लिए, सोन भंडार घूम लिए, इसके अलावा और कुछ लोग उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं घूमने के लिए, ठीक है दोस्तों। मैं सोचा कि क्यों ना आप लोगों को जितनी यहाँ ये रुकूँ, सारा जगह का आपको नज़ारा दिखा दूँ, इसलिए हम लोग आपके सामने ये वीडियो हाजिर किया। आपको पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, और पहली बार आए मेरे चैनल को तक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, धन्यवाद। आपको एक नज़ारा दिखाने वाला हूँ, ठीक है, कि लोग अगर जान जाएंगे तो यहाँ पे ज़रूर आएंगे, विज़िट करेंगे और यहाँ से कुछ प्रसाद लेके जाएंगे, क्योंकि मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो प्रसाद से कम नहीं है। ये देख लीजिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, संजीवनी बूटी है, जो सिर्फ पहाड़ पे ही पाया जाता है। लक्ष्मण जी जब को जब तीर लगा था ना, उनको जो बुखार लग गया था, बेहोश हो गए थे, तो हनुमान जी संजीवनी बूटी का पूरे पहाड़ उठा के ले आया, ताकि उनको नॉलेज नहीं था कि संजीवनी बूटी क्या है, इसलिए उन्होंने पूरे पहाड़ उठा के ले आया था और उनका उससे जान बची थी। तो यही चीज़ आपको दिखा रहे हैं, मैं यहाँ से घर ले जाऊँगा और घर वाले को भी दिखाऊँगा। मैं तो लाइफ में पहली बार देखा ये संजीवनी बूटी, नाम सुना था सिर्फ, आप लोग को दिखा दिया। अगर बाय मिस्टेक अगर मुझे अगर इसके बारे में नहीं पता होगा, गलत बोल दिया होगा, तो आप लोग माफ़ कर दीजिएगा और सही बता के कॉमेंट कीजिएगा कि ये एक्चुअली में क्या चीज़ है, ठीक है दोस्तों। ये देख लीजिए कितना सारा है, ओ जा हो, संजीवनी बूटी की क्या है ये देख लीजिए,
ऊपर में देख लीजिए कुछ मीनार है, ये देख लीजिए नज़ारा। आपको नज़ारा यहाँ से मन ही नहीं कर रहा है दोस्तों घर जाने का, ये देख लीजिए।